नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने वाले पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि यह देश आतंकवाद को सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करने वाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे यूएन के मानवाधिकार कमेटी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अकबरुद्दीन ने पाक दूत मलिहा लोधी की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकारों पर बहस के दौरान कश्मीर और वानी की मौत के बारे में जिक्र किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। यह पाकिस्तान को हाल में दिया गया सबसे करारा जवाब माना जा रहा है। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन संकट मोचक। विदेश राज्य मंत्री बीके सिंह की अगुवाई में दक्षिण सूडान में फंसे 300 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार का ऑपरेशन संकट मोचक शुरू हो गया है। गुरुवार तड़के बीके सिंह के नेतृत्व में वायुसेना का एक दल भारतीयों को संकटग्रस्त सूडान से निकालने के लिए रवाना हो गया। दरअसल दक्षिण सूडान के कई हिस्सों में पूर्व विद्रोही और सरकारी सैनिकों के बीच संघर्ष जारी है। संघर्ष में 300 से अधिक भारतीय फंस गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार दक्षिण सूडान में करीब 600 भारतीय हैं, जिसमें से 450 जूबा में और करीब 150 राजधानी के बाहर है। एसीबी ने शीला दीक्षित को नोटिस भेजा। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 400 करोड़ रुपए के कथित वाटर टैंकर घोटाले के मामले में शीला दीक्षित को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया है। पुलिस के विशेष आयोग एवं एसीबी प्रमुख एमके मीणा ने गुरुवार को कहा कि शीला दीक्षित और दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं, उनसे 26 जुलाई को पूछताछ की जाएगी। दूसरी ओर दीक्षित को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही है। राज्य महिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए सलमान खान, पत्र भेजा। अभिनेता सलमान खान महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के समक्ष गुरुवार को फिर पेश नहीं हुए और उन्होंने बलात्कार संबंधी अपने बयान पर भेजे गए समन का जवाब देने के लिए पैनल को एक पत्र भेजा है। ऐसा तीसरी बार है जब सलमान खान आयोग के सामने पेश नहीं हुए हैं। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि हमें पत्र मिला है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, हमने इसे आगे की कार्यवाही के संबंध में फैसला करने के लिए हमारे कानूनी विभाग को भेज दिया है। काले धन की घोषणा करने वाले अघोषित आय से अदा नहीं कर सकते कर। सरकार ने गुरुवार को साफ किया कि आयकर अनुपालन की एक समय के लिए दी जा रही सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति अपनी देनदारी कम करने के लिए अघोषित आय से कर एवं जुर्माना अदा नहीं कर सकते। ऐसा करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आयकर विभाग के कुछ सवालों को लेकर गुरुवार को आय घोषणा योजना से जुड़े सवालों पर चौथा स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या इस योजना के तहत बिना आय की घोषणा किए अघोषित परिसंपत्ति में से भुगतान किया जा सकता है। ये अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।